एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द गार्डनिंग यार्ड में। दोस्तों ये देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपका पौधा देखिए कैसे अगर ऐसे मरने लगता है, देखिए आप, देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारा जो ये प्लांट है मोरपंखी का, ये देख सकते हैं आप, देखिए कैसे सूखने लगा है, ये देख सकते हैं, देखिए ये देखिए। तो दोस्तों अगर आपका प्लांट ऐसे मरने लगता है, सूखने लगता है, तो आप इससे क्या करना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे। दोस्तों ये देखिए, इसकी जो मिट्टी आप देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, इसकी जो शक्ति एक तरह से देखिए एकदम खत्म हो गई है। ये मिट्टी एक तरह से अच्छा भी नहीं है इस समय काफी, क्योंकि ये पौधा लगे हुए कम से कम 2 से 3 साल हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे ना, इसको जो एक तरह उर्वरकता भी इसमें काफी खत्म हो गई, रिपोर्ट कर देंगे। रिपोर्ट करने का मतलब इसकी मिट्टी चेंज कर देंगे प्रॉपर तरीके से, उसमें हम क्या करेंगे कम्पोस्ट में मिक्स करेंगे, मिक्स करके दोबारा इसको लगा देंगे। इससे क्या होगा, हो सकता है आपका जो प्लांट मर रहा हो दोबारा इसमें एक तरह से अच्छा इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको एक स्टेप करके कैसे इसको बड़ा जो पॉट है उससे कैसे हम रिपोर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, काफी सावधानी पूर्वक हल्का हल्का मिट्टी हटाएंगे इसको और इसको यहां से निकालेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं, जड़ें खराब होती दिख रही हैं। देखिए दोस्तों, इसको सावधानी पूर्वक काफी अच्छे से केयरली धीरे धीरे निकाल लेंगे। देखिए ये देख सकते हैं हमारा पूरा प्लांट्स अलग हो चुका है। ये मिट्टी देखिए, बेकार हो गई है। ये देखिए, इसीलिए हम क्या करेंगे मिट्टी चेंज करेंगे, देख सकते हैं। और इसका कुछ पार्ट्स मिट्टी का ये भी रखें। एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, हम पूरा 100% मिट्टी चेंज नहीं करेंगे, 20 से 30% पुरानी मिट्टी रखेंगे और 70 से 80% नई मिट्टी जो हम गार्डन का तैयार करेंगे वो रखेंगे। इसके जो रूट्स हैं इसको हम हल्का हल्का सा इसको छटैया कर लेंगे, कट कर लेंगे हल्का हल्का। इससे क्या होता है कि इसमें एक तरह से ग्रोथ काफी अच्छा होगा, रूट्स का भी नए नए रूट्स भी आएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आपको ना रूट्स को काफी अच्छे तरीके से देख लेना है, एक तरह से कि कहीं इसमें कोई फंगस वगैरह तो नहीं लग गया है। अगर फंगस लग गया तो उस पार्ट्स को वहां से रिमूव करेंगे हम। ये देखिए, लेकिन हमारे जो ये है प्लांट्स है, इसका जो रूट्स आप देख सकते हैं काफी हेल्दी काफी अच्छा है, अभी कोई भी इसमें फंगस वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बस मिट्टी चेंज करेंगे और हल्का हल्का इसके जो ये दिख रहा है इसको हम कट कट कर देंगे। आप हल्का हल्का से इसकी छटैया कर ले, ज्यादा नहीं काटेंगे, हल्का हल्का काटेंगे। देखिए इससे क्या हुआ कि इसमें नए नए रूट्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए, आपको ना कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचेस होंगे जो आपको लग रहा है उसको काट देना चाहिए, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए हमने कुछ ब्रांचेस रिमूव कर दिए हैं जो हमें लग रहा था रिमूव करना चाहिए, जो सूख रहे होंगे उसको आपको रिमूव कर दें। ये देख सकते हैं आप, इतना मैंने हटा दिया है। हम देखिए दोस्तों क्या करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे। हमारा जो पुराना मिट्टी था उसका कुछ पार्ट्स ले रहे हैं, कुछ में नए मिट्टी लाए हैं गार्डन से अपने। ये देखिए दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करके हम फिर क्या करेंगे, अपने जो पॉट्स है उसमें मतलब फिर से हम इसको लगाएंगे। तो हम देखो, देखिए दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, पूरा अच्छे से मिक्स करिए आप थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि दोस्तों मिट्टी का बहुत इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा रोल होता है कोई भी पौधा ग्रो करने में। तो आप मिट्टी तैयार करने में कोई भी कमी ना रखें, जितना अच्छा आपका सॉइल होगा उतना हेल्दी और अच्छा आपका प्लांट्स होगा। दोस्तों हम बहुत सारे वीडियो बनाते रहते हैं काफी अच्छे अच्छे, आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आप कोई भी कटिंग लगाना चाहते हैं उसका आप, हमने सारा A to Z वीडियो बना रखा है,
आप वहां से जाइए, चेकआउट करिए और अपने गार्डन में उस टाइप के पौधे को लगा सकते हैं। एक पौधे से मल्टीपल पौधे तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा काफी अच्छे तरीके से सॉइल तैयार हो गया है। अब इसको भर लेते हैं गमले। ड्रेनिंग सिस्टम में काफी अच्छा रोल है दोस्तों, ये देख सकते हैं। हमने पहले से भी इसमें होल किया हुआ था, फिर दोबारा इसमें होल देख चेक कर ले रहे हैं कि होल है कि नहीं है, तो आप जरूर से जरूर होल रखें दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, हमें क्या करना है, कम से कम आधा गमला पहले से मट्टी भर लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना प्लांट्स इसके ऊपर रख के फिर इसके चारों तरफ से अच्छे से सॉइली कौन करते हैं इसमें भरेंगे सॉइल को। तो चलिए दोस्तों, सॉइल हल्का हल्का भर लेते हैं। तो इस बात का काफी ध्यान रखें कि पुराना आपको सॉइल जरूर से जरूर रखना है, हम नया सॉइल नहीं डालना है, नहीं तो आपके पौधे में थोड़ा सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको मैंने पहले ही बड़ा बता दिया था कि आपको 20-30% पुराना सॉइल रखना ही रखना है, उसके बाद उसमें आप इसे यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने नीचे का चेंज कर दिया, ऊपर का हमने सेम वाला ही सॉइल डाल रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने काफी सक्सेसफुली रिपोर्टिंग कर दी है। आप देखिए कितना प्रॉपर तरीके से हमने अपने गार्डन जो सॉइल था उसका और ये पुराना जो सॉइल दोनों का मिक्स करके दोबारा से लगा दिया है दोस्तों। दोस्तों हमने साइड में कुछ और भी प्लांट्स लगाए थे, उसको भी हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखिए यही बगल में थोड़ा हमारे पास पॉट्स की कमी है, इसलिए हम एक पॉट्स में बहुत ज्यादा प्लांट्स लेने का ट्राई करते हैं। और इसको हल्का हल्का सेडोरियम रखेंगे दोस्तों। आशा करता हूं कि दोस्तों हमारा ये जो वीडियो है आपको काफी ज्यादा पसंद आया दोस्तों। दोस्तों अगर आप गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर चेकआउट करिए, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब दोस्तों, क्योंकि हम गार्डनिंग से रिलेटेड आइडिया हम अपने शेयर करते हैं हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।